फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। UPSI के जो फर्स्ट फेज़ के DVPST हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और एक बहुत ही ज़्यादा नोटिस वायरल हो रहा है। उस चीज़ के अंदर लिखा गया है कि 4 मई को आपका जो है रनिंग की डेट आ गई है। उस नोटिस पर हम बात करने वाले हैं। वो नोटिस आपके लिए है या किसके लिए है और आपकी जो रनिंग डेट है वो क्या रह सकती है और आपके सेकंड DVPST भी 4 मई से जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जो 18 मई तक चलेगा। उसके बाद क्या आपकी सेकंड लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है या नहीं हो सकती, इस विषय पर भी हम बात करेंगे। इन सभी विषयों पर बात करने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल अपडेट के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम UPSI की ऑफिशियल वेबसाइट पर है और इसके अंदर जो लास्ट नोटिस है वो ASI से रिलेटेड नोटिस है, जिसके अंदर इन्होंने सेकेंड लिस्ट जो है वो जारी की है। हम ASI के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इसमें SI के बारे में। तो SI का जो नोटिस है वो ये है और इसके अंदर सेकंड DVPST के जो कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट आ गई है इसके अंदर और उनके जो एडमिट कार्ड हैं वो भी रिलीज़ कर दिए गए हैं। आशा है कि आपने सभी ने अपना एडमिट कार्ड देख लिया होगा और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर लिए होंगे। तो मैं बात करना चाहता हूँ उस नोटिस के बारे में जिसके अंदर लिखा हुआ है कि 4 मई को आपका फिजिकल यानी कि PET होना है। तो नोटिस आप देख सकते हैं, ये नोटिस जो है ये आया है 29 तारीख को और इसके अंदर लिखा गया है कि फर्स्ट फेज़ का जो DVPST था वो ख़त्म हो चुका है और सेकंड फेज़ का DVPST जो है 4/5/2022 से दिनांक 18/5/2022 को 8 चरणों में होगा। अब बहुत बड़ी एक कन्फ्यूज़न है कैंडिडेट्स के माइंड में कि 4 मई को हमारा फिजिकल होगा या नहीं होगा। देखिए, सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, आज 2 तारीख हो गई है, 2 तारीख से 4 तारीख के बीच में सिर्फ 1 दिन है और अभी ना आपके एडमिट कार्ड आए हैं और ना अभी इसके बारे में कोई नोटिस आया है। तो जो वो नोटिस है, वो जो नोटिस है जो आपको बताया जा रहा है कि 4 मई को आपके DVPST होंगे, वो आपके लिए नहीं है। वो जो डॉक्टर्स हैं यानी कि जो इनके चिकित्सक होते हैं जो DVPST में वहाँ साथ रहते हैं, वो उनको बताया गया है कि 4 मई तक आप अपनी सारी जो भी चीज़ें हैं यानी कि उनको भी तैयारियाँ करनी होती है, तो 4 मई तक आप अपनी सारी तैयारियाँ कर लीजिए। जो भी है, आप ट्रेनिंग के लिए लाइट देंगे, ग्राउंड को अच्छा करेंगे, तो ये सब सारी चीज़ें आप 4 मई तक आपको कर लेनी है। अब आप खुद ही सोचिए, जो सेकंड फेज़ के DVPST हो रहे हैं वो भी तो पुलिस लाइन पर ही हो रहे हैं और जो आपका DVPST के बाद आपका PET होगा फिजिकल, वो भी आपका पुलिस लाइन पर ही होगा। तो जो स्टाफ DVPST में लगा हुआ है वही स्टाफ तो आपका PET लेगा, ऐसा तो है नहीं उसमें से एक दो जो ऑफिसर होंगे वो नहीं होंगे, लेकिन एक दो ऑफिसर तो उसमें से ही होंगे जो पूरी भर्ती प्रक्रिया में आपके सामने रहेंगे, आपको ऑब्जर्व करेंगे कि ये कैंडिडेट ने पास किया है, नहीं किया है, फेल किया है तो कैसे किया है, ये सब। अब एक ही जगह पर दो दो कार्य, जो पहले कैंडिडेट पास हो गए हैं DVPST में, उनका 4 से 5 मई को आपका फिजिकल भी हो जाएगा और 4 मई से आपके सेकंड DVPST भी होने लगेंगे। तो ऐसे दो दो काम एक साथ कैसे हो सकते हैं? और अभी तक आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आया है, एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई नोटिस भी नहीं आया है कि इस तारीख को आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना है। तो वो नोटिस मैं आपको बता दूं, वो नोटिस जो था वो आपके लिए नहीं था, वो डिपार्टमेंट के लिए था। डिपार्टमेंट वालों को भेजा था कि आप 4 मई तक जो है अपनी सारी तैयारियां कर लीजिए, फिजिकल से रिलेटेड जितनी भी आपकी तैयारियां हैं, बहुत सारी तैयारियां होती हैं।
और अगर मैं बात करता हूँ सेकंड लिस्ट के बारे में, ये तो हो गई आपके फिजिकल की जनिंग की डेट के बारे में। अभी आप परेशान ना हो, अभी आपके पास 18 मई तक कोई भी डेट नहीं है, क्योंकि सभी का जो DVPST है उसके बाद ही जनिंग की डेट जो है अनाउंस होंगी। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है अगर DVPST के बाद इनको सेकंड लिस्ट निकालनी पड़ी, इन केस अगर सेकंड लिस्ट आती है तो पहले उनका DVPST होगा, फिर बाद में उनका फिजिकल होगा। और जो ये फर्स्ट फेज वाले ये 25 से 28 वाले जो पास करके बैठे हैं, ये अपना PET दे के बैठ जाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है वैकेंसी में, सब चीज़ों का, सब कैंडिडेट का जो भी चीज़ होगी वो साथ ही तो होगी। ऐसा थोड़ी है कि पहले वाले कैंडिडेट पहले फिजिकल मार के बैठ जाएंगे और बाद वाले कैंडिडेट बाद में फिजिकल मारेंगे। तो जो अब कैंडिडेट फिजिकल मारेंगे, अब कितनी गर्मी है, लेकिन एक महीने बाद, यानी कि अगर किसी का 18 तारीख को हुआ तो उसको 19 को तो फिजिकल होने से रहा, इसको कुछ टाइम मिलेगा तो इसको तो ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो उस हिसाब से सबका फिजिकल की जो डेट आएगी वो सबकी इक्वली तो आएगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी की पहले आ गई, किसी को 2 दिन मिल रहे हैं फिजिकल के बाद, सॉरी DVPST के बाद, और किसी को 20 दिन मिल रहे हैं। तो आपकी रनिंग की डेट जो है अभी अनाउंस नहीं हुई है। हाँ, जल्दी आपकी रनिंग की डेट अनाउंस हो सकती है, आप फिजिकल के लिए एकदम तैयार रहिए। अब हम बात करते हैं सेकंड जो लिस्ट है इसकी, वो आएगी या नहीं। देखिए, ये आप सभी लोग जानते हैं कि पढ़ना और फिजिकली फिट होना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इस गर्मी में फिजिकली फिट होने का मतलब ये है कि आपको 5 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर अप्रोक्स रनिंग करनी है। अगर आप ये नहीं कर पाते तो PT में आप फेल हो जाएंगे। अब इन्होंने बॉयज़ जो कैंडिडेट हैं वो 3.5 गुना लिए हैं, और जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो 4 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया है। अब इसके अंदर कुछ कैंडिडेट जो होंगे, जैसे टोटल इन्होंने 36,000 कैंडिडेट लिए हैं लगभग। मैं इस वीडियो में आपको सब चीज़ समझाऊंगा, आप बस धीरे से माइंड को शांत रख के इस चीज़ को समझते चाहिए कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है, और आप अपने दिमाग से भी सोचिएगा। फिजिकल के लिए और DVPST के लिए जो है, DVPST के लिए 36,000 प्लस कैंडिडेट को इन्होंने क्वालिफाई किया है। इसके अंदर से ASI के अंदर 1200 प्लस कैंडिडेट जो हैं डिसक्वालीफाइड हो गए DVPST के अंदर ही, जबकि उसके अंदर 4500 प्लस कैंडिडेट को DVPST के लिए अलॉट किया था। तो उसके अंदर दोबारा 4287 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है, सेकंड लिस्ट। अब उसके अंदर कुछों का मानना यह है कि उसके अंदर ओ लेवल मांगा था, तो ओ लेवल लोगों ने जाली बनवा लिया, सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हमें परफेक्ट जानकारी तो है नहीं कि किसी का क्या है, फ्रॉड बनवाया भी है या लीगली है। तो उसके आधार पर जो बच्चे हैं वो ज़्यादा डिसक्वालीफाइड हो गए, और UPSI के वैकेंसी में ऐसा नहीं हो सकता। तो जो फ्रॉड कैंडिडेट हैं वो UPSI में भी भरे हैं, और उन्होंने UPASI में भी भरा है, क्योंकि वैकेंसी कोई सी भी हो, वैकेंसी 2 हो 4 हो, कैंडिडेट जो पढ़ने वाले हैं, जो नौकरी चाहते हैं, वो ज़रूर फिल करते हैं। और जो तिगड़म वाले कैंडिडेट हैं वो भी नौकरी के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, चाहे वो अपने किसी भी हद तक करते हों। तो ASI के अंदर आप देख सकते हैं कि उसकी सेकंड लिस्ट आ सकती है। आशा ये और मानी जा रही है कि UPSI में लगभग 10,000 के समथिंग पोस्ट है, उसके अंदर सेकंड लिस्ट जो है आपकी आनी ही चाहिए। क्योंकि DVPST के अंदर अगर आपके 8,000 कैंडिडेट, ये एक अप्रोक्स डाटा है, 8,000 प्लस कैंडिडेट भी अगर डिसक्वालीफाई हो जाते हैं तो आपके मात्र 28,000 कैंडिडेट बचते हैं। और PET के लिए सभी डिपार्टमेंटों का एक अलग अपना नज़रिया होता है, जैसे कि अगर SSC GD के लिए काउंट करता है PET के लिए तो वो 11 गुना कैंडिडेट लेता है। SSC अगर CPO अपने फिजिकल के लिए कैंडिडेट अलॉट करता है तो वो 10 गुना लेता है। तो उसके बाद एक मेरिट लिस्ट लगाई जाती है, जिसके अंदर कम मार्क्स वाले जो कैंडिडेट होते हैं वो
डिसक्वालीफाइड हो जाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन इतने गुना कैंडिडेट जो हैं, 11 गुना और 10 गुना कैंडिडेट जो हैं ये लेता है। अब UPSI की बात करते हैं तो इन्होंने DVPST के लिए पहले 3.5 गुना कैंडिडेटों को लिया है। इसके अंदर से अगर कट के इनके पास 3 गुना कैंडिडेट रह जाते हैं तो सेकेंड लिस्ट आपकी मोस्ट प्रोबेबली आ सकती है। जो लाइन पर कैंडिडेट हैं वो अपने फिजिकल को तैयार रखें, क्योंकि आपके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर आप फिजिकली तैयार नहीं करेंगे और पता चलता है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है और आपको DVPST के लिए भी जाना है और आपकी ट्रेनिंग की डेट के लिए भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिला, तो आप वहाँ पर फंस जाएंगे और हो सकता है कि आप फेल भी हो जाएं। तो आप अपने PET की तैयारी करते रहिए, क्योंकि सेकंड फेज वाले तो अलग चीज़ है, लेकिन सेकंड लिस्ट वाले जो बंदे होंगे उनको किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, ना ही DVPST के लिए और ना ही उनकी फिजिकल टेस्ट के लिए। तो सब कुछ उनका जल्दी जल्दी करा लिया जाएगा, क्योंकि वो एक छूटे हुए कैंडिडेट को पूरा करने के लिए बुलाए जाएंगे। इस वीडियो में मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर कर दिए होंगे। रनिंग से रिलेटेड भी, जो अफवाह रूमर्स उड़ रहा था उससे रिलेटेड भी, और आपकी सेकंड लिस्ट जो है वो आ सकती है या नहीं आ सकती उसके बारे में भी मैंने आपको सब चीज़ क्लियर कर दी है। अब मैंने किस आधार पर बताया है, अगर मैं वो चीज़ें भी इस वीडियो के अंदर डालता हूँ तो वो चीज़ें बहुत ही वास्ट हैं और वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी, 30-35 मिनट की वीडियो हो जाएगी, जिससे आप बोर हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपको सिर्फ रिज़ल्ट बताया है कि रिज़ल्ट आपका क्या रह सकता है, ट्रेनिंग डेट के बारे में और आपका सेकंड लिस्ट के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।